नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं पल्लवी शर्मा, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में रविवार को 7 से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगेगा जनता कर्फ्यू। हिमाचल के कोरोना पॉजिटिव महिला युवक के भाई के खिलाफ FIR, नहीं बरती सावधानी। 31 मार्च तक अध्यापक नहीं, कर्मचारी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल और प्रशासनिक कार्यों के लिए तैनात शिक्षक ही ऑफिस जाएंगे। DC कांगड़ा राकेश प्रजापति बोले, एयरलाइन नहीं मानी तो जब्त होंगे जहाज। कांगड़ा जिला में सभी कार्यालय बंद, बोर्ड की परीक्षाएं पोस्टपोन, निजी बसों पर रोक। कोटला गांव में रिटायर्ड सूबेदार ने खुद को मारी गोली, देहरा पुलिस की टीम जांच में जुटी। कांगड़ा में केमिस्ट पर FIR के बाद हमीरपुर में धारा 144 के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षाएं स्थगित, 29 मार्च और 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं में किया फेरबदल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार को लगने वाला जनता कर्फ्यू हिमाचल में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक नहीं बल्कि सोमवार सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में 24 घंटे की अवधि तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। जयराम सरकार ने इस बाबत निर्णय लिया है। यह जानकारी CM जयराम ठाकुर ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है हिमाचल में जनता कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक लगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा, वहीं इमरजेंसी सेवाएं प्रभावी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र की महिला व लंज के युवक की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस ने महिला और युवक के भाई के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। 63 वर्षीय महिला पर आरोप है कि उन्होंने पहले जांच करवाने से मना किया था, जबकि वह विदेश से वापस लौटी थी। उधर शाहपुर उपमंडल के लंज के रहने वाले कोरोना वायरस के पॉजिटिव युवक का भाई होम आइसोलेशन को नहीं मान रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना वायरस के चलते आगामी परीक्षा और प्रैक्टिकल स्थगित कर दिए गए हैं। सल मूल्यांकन कार्य को भी स्थगित किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षक 31 मार्च तक घर में ही रहेंगे। सिर्फ कर्मचारी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल और प्रशासनिक कार्यों के लिए तैनात शिक्षक ही ऑफिस आएंगे और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। संबंधित जिला दंड अधिकारी IAC गतिविधियों के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं भी ले सकते हैं। DC कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर आज SP कांगड़ा के माध्यम से कांगड़ा एयरपोर्ट पर एयरलाइंस को सेवाएं निलंबित रखने के लिए कहा गया है। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो कल जहाज यहीं पर जब्त कर लिए जाएंगे। उनका कहना है उसके बाद उन्हें यहीं पर रोके रखा जाएगा। DC ने कहा कि कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए पूरी तरह एहतियात बरत रही है। निर्वासित तिब्बती सरकार को संदेश भिजवाया गया है कि वे तिब्बती समुदाय के लोगों को जहां हैं वहीं पर रहने को कहें। वे कांगड़ा में अब प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की है। श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी, ठेले वाले और सिरपीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए श्रमिकों को नजदीकी लोक मित्र केंद्र में आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी साथ लानी होगी, जहां पर मुफ्त में पंजीकरण होगा। योजना में शामिल होने के लिए मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने वाली राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। ये परिवार पेंशन होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को 50% पेंशन मिलेगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जनहित में जारी। जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने जिला के सभी कार्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं व जमा 1 व जमा 2 सहित SOS की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। जिला कांगड़ा में सभी सरकारी कार्यालय तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ अस्पताल ही खुले रहेंगे। निजी बसों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि HRTC की बसों की सेवाएं जारी रहेंगी। देहरा में पुलिस चौकी टेरेस के तहत कस्बा कोटला गांव में एक रिटायर्ड सूबेदार ने खुद को गोली मार ली,
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड सूबेदार रणवीर सिंह काफी गुस्सैल स्वभाव का था। पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के चलते उसने घर पर ही ये खौफनाक कदम उठाया। डीएसपी देहरा रणवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही गोली मारने के सही कारणों का पता चल सकेगा। मास्क के अधिक दाम वसूलने पर कांगड़ा जिला में जहां एक केमिस्ट पर पहला मामला दर्ज किया गया था, वहीं आज हमीरपुर में धारा 144 के उल्लंघन पर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। मामला हमीरपुर के साथ लगती पंचायत अनुखुर्द का है, जहां पर गत रात जागरण का आयोजन किया गया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुश्ती प्रकाश पुत्र चैउराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रात को किए गए जागरण में 30 से 35 लोग शामिल थे। एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस हर मामले को गंभीरता से ले रही है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना वायरस के चलते 29 मार्च और 5 अप्रैल को होने वाली लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। साथ ही परीक्षाओं का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। स्थगित परीक्षाएं अब मई माह में होंगी। वहीं 19 अप्रैल को होने वाली लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं बदला है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 29 मार्च को होने वाली सांख्यिकी सहायक पोस्ट कोड 748 की परीक्षा अब 9 मई को सुबह के सत्र में होगी। फील्ड असिस्टेंट पोस्ट कोड 766 की परीक्षा 5 अप्रैल की जगह 10 मई को शाम के सत्र में होगी। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।